नमस्कार। ड्रग्स मामले में फंसे शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल मुंबई की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आर्यन समेत उनके दो दोस्त मुनमुन और अरबाज को 7 अक्टूबर यानी कि गुरुवार तक के लिए एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया गया है। यानी अब 7 अक्टूबर तक आर्यन, अरबाज और मुनमुन को एनसीबी की हिरासत में ही रहना होगा। आपको बता दें, कोर्ट में एनसीबी ने 9 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की मंजूरी दी है। बताते चले, मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर रेव पार्टी चल रही थी। पिछले 15 दिनों से एनसीबी किसी बड़ी प्लानिंग में थी। उसी प्लानिंग को इसी क्रूज पर अधिकारियों ने अंजाम दिया। आम लोगों की तरह एंट्री लेकर अधिकारियों ने मौके पर ही कई लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। इनमें आर्यन खान भी शामिल थे। वो अलग बात है कि आर्यन सफाई देते रहे, खुद को वीआईपी गेस्ट बताते रहे, लेकिन खबरें हैं कि एनसीबी की सख्त पूछताछ में आर्यन ने कबूल किया है कि वो नशे में थे। एनसीबी ने आर्यन समेत उनके और दो दोस्तों मुनमुन और अरबाज को भी हिरासत में लिया था। आमने सामने बिठाकर लंबी पूछताछ की गई थी, जो कई घंटे तक चली थी। रविवार शाम को 7 बजे तीनों का मेडिकल टेस्ट कराया गया था। कोर्ट ने पहले तो इन तीनों की 1 दिन की रिमांड बढ़ाई थी, लेकिन अब इसे और 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। जाहिर है, इन 3 दिनों में एनसीबी आर्यन से कुछ और जानकारी लेने की कोशिश करेगी। ये पता लगाने की कोशिश भी होगी कि आखिर इस नशाखोरी में और कौन कौन संलिप्त है। वैसे खबर मिली है कि आर्यन की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। इस व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि सिर्फ कोड वर्ड में ही बातें होती थी। खैर, फिलहाल अब एनसीबी के अधिकारी और सख्ती से आर्यन से पूछताछ करेंगे। देखना होगा 8 अक्टूबर को भी आर्यन को बेल मिल पाती है या फिर नहीं। Yeah.